हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, एक बार हम फिर हाजिर हुए हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके। इस बार हम आपको दिखाने वाले हैं एक 2 BHK फ्लैट, जो कि ये TMC रेरा अप्रूव्ड है और इसमें आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। और ये जो सोसाइटी है जिसका नाम है ग्लोरियस पार्क, ये मौजूद है खड़ी रोड पर, जो खड़ी गाँव है, नियर वाई जंक्शन बाईपास। और फ्रेंड्स, इसमें जो आपको दिया जा रहा है, इसमें किड्स प्ले एरिया है, जॉगिंग ट्रैक है, गार्डन है, बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी बड़ा कंपाउंड है इसके अंदर में। इसमें स्ट्रीट पार्किंग साथ में दी जा रही है और इसका जो प्राइस है वो है 62 लाख रुपीज़ नेगोशिएबल प्राइस। और ये फ्लैट काफ़ी वेंटिलेटेड फ्लैट है अगर आप देखिएगा, और काफ़ी अच्छे फ्लोर पे मौजूद है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किसी भी बैंक से लोन करवाइए, आपको आसानी के साथ में यहाँ पे लोन हो सकता है। आप कैश भी करना चाहें आप कैश भी कर सकते हैं। 62 लाख रुपीज़ का जो प्राइस है, ये स्लाइटली नेगोशिएबल प्राइस है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए विट प्लेटफॉर्म, और हम आपको लेकर चल रहे हैं टूर कराने ये ग्लोरियस पार्क। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये है ग्लोरियस पार्क बिल्डिंग, नियर वाई जंक्शन बाईपास, खड़ी रोड पर ये है, और हार्डली मेन रोड से वॉकेबल डिस्टेंस 1 मिनट का है। और ये 3 विंग है यहाँ पे, A1, A2 एंड A3। ये 7 माले की बिल्डिंग है, इसमें किड्स प्ले एरिया, गार्डन, स्ट्रीट पार्किंग, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं इसमें। आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग जो है, और यहाँ पे जो है ये जो फ्लैट हम आपको दिखाने वाले हैं, स्ट्रीट पार्किंग के साथ में दिया जा रहा है। ये जो है काफ़ी बड़ा कंपाउंड है, आप देख रहे हैं बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा कंपाउंड है, शाम के टाइम बच्चे यहाँ पर खेलते भी हैं। इसके बाद काफ़ी बड़े साइज़ का यहाँ पर गार्डन दिया हुआ है, किड्स प्ले एरिया दिया हुआ है। तो अभी हम चलेंगे गार्डन में, आपको दिखा देंगे अंदर से गार्डन, इसके बाद हम चलेंगे बिल्डिंग के फ्लोर पर और आपको दिखाएंगे इसका फ्लैट। तो बने रहिए, वीडियो ज़रा भी स्किप नहीं कीजिएगा। फ्रेंड्स, देखिए ये जो है इसका गार्डन है, और यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो कि ट्रांसफार्मर पूरी तरह से सिक्योर करके रखा हुआ है। ये ट्रांसफार्मर सोसाइटी का ही है, स्पेशली सिर्फ ग्लोरियस पार्क के लिए ट्रांसफार्मर लगाया गया है। और देखिए ये जो है ना, काफ़ी लॉन्ग शेप में जो है गार्डन है। यहाँ पर किड्स प्ले एरिया है, किड्स प्ले इक्विपमेंट लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं। और यहाँ पर जो है सिटिंग प्लेस भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। देखिए यहाँ से जो बनाया हुआ है, देखिए एंट्रेंस इसका सिटिंग प्लेस के लिए काफ़ी बेहतरीन है, आप देख रहे हैं इसको। हम चल रहे हैं आगे की तरफ, आपको दिखा देते हैं आगे का लोकेशन। देखिए ये है इसका गार्डन का स्पेस, यहाँ पे सिटिंग एरिया देके रखा हुआ है। बारिश के टाइम में भी आप काफ़ी अच्छा यहाँ पे बारिश का मज़ा भी ले सकते हैं बैठ के। यहाँ पे देखिए सिटिंग प्लेस है। अब आगे चलते हैं, आगे का एरिया दिखा देते हैं हम आपको। यहाँ से जो है आगे भी किड्स प्ले इक्विपमेंट लगे हुए हैं, यहाँ पे बच्चों खेलने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छा स्पेस है। और इसके बाद भी जो है लोग बच्चे कंपाउंड में भी जाके खेलते हैं। अब देखिए ये है ग्लोरियस पार्क, नियर वाई जंक्शन बाईपास के पास में, ये खड़ी रोड पर है। अब देखिए ये जो है, यहाँ से हम आपको बिल्डिंग दिखा देते हैं। देखिए ये है बिल्डिंग, और अभी चलते हैं हम बिल्डिंग के अंदर, अब आपको दिखाते हैं फाइनली फ्लैट। सो फ्रेंड्स, अभी हम खड़े हुए हैं फ्लोर के ऊपर में, और आप देख रहे हैं ये फ्लोर की लॉबी है, और इसमें एक फ्लोर पे 6 फ्लैट हैं। और ये देखिए ये जो है, ये लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट विथ बैकअप है, इसमें 24/7 लिफ्ट चालू रहती है। इसके बाद देखिए अभी हम चल रहे हैं आगे की तरफ, और आपको दिखाते हैं इसका कंप्लीट फ्लैट। देखिए ये सामने जो है, ये ब्राउन जो डोर है, ये जो है हमारा फ्लैट है। ये है 2 BHK फ्लैट, 940 स्क्वायर फीट का एरिया है,
आपको हम ले चले कंप्लीट इसका फ्लैट दिखाते हैं, आपको हम ले चलते हैं इसका दिखाते हैं फ्लैट। देखिए ये जो है, ये है इसका लिविंग रूम, इस फ्लैट का लिविंग रूम है ये, हम देख रहे हैं। ये इसका लिविंग रूम है, इंटीरियर है काफ़ी खूबसूरत काम किया आप देख रहे हैं इसके अंदर में, और बालकनी भी काफ़ी अच्छी, काफ़ी बड़े साइज़ की बालकनी दी हुई है, 3.5 फुट की इसकी बालकनी है। अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे, पहले आप कंप्लीट लिविंग रूम देख लीजिए, आप इसका इंटीरियर का वर्क देख लीजिए, काफ़ी खूबसूरती से किया हुआ है। ये है 2 BHK फ्लैट, 940 square feet का एरिया, जो कि TMC रेरा अप्रूव्ड है, और इस सोसाइटी का नाम है ग्लोरियस पार्क, जो कि मौजूद है खड़ी गाँव में, खड़ी गाँव मुमरा नियर बाईपास। हमने आपको इससे पहले अभी दिखाया हुआ इसका गार्डन, इसका किड्स प्ले एरिया, स्टिल पार्किंग और सारी चीज़ें अभी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो है ये इसकी बालकनी दे रखी है, बालकनी काफ़ी बड़े साइज़ की। देखिए ये फ्लैट अभी रेंट पे है, जिसमें यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो रेंट पे रह रहे हैं लोग, उनका फ्रिज डबल था, इसलिए एक फ्रिज यहाँ पे रख दी है। अब देखिए ये जो है अंदर वाला रोड है, वहाँ से मेन रोड से रोड टच सोसाइटी है इनका, इसका यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ का वेंटिलेशन बहुत ही प्यारा है, क्योंकि यहाँ पे जो है हर तरफ से ये फ्लैट ओपन है। तो ये रहा इसका लिविंग रूम जो हमने आपको दिखाया, अभी हम चल रहे हैं आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं इसका आगे का एरिया। पहले हम आपको दिखाएंगे इसका किचन, टॉयलेट, बाथरूम, फिर इसके बाद इसका फर्स्ट एंड फिर लास्ट में इसका मास्टर बेडरूम। तो बने रहिए, वीडियो ज़रा भी स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए ये इसका एंट्रेंस है, एंट्रेंस के बाद में देखिए पैसेज, काफ़ी बड़े साइज़ का पैसेज दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे इन्होंने वॉश बेसिन लगा रखा हुआ है, ऑनर ने काफ़ी बेहतरीन इंटीरियर वर्क करवा के दिया हुआ है इसमें। अब देख रहे हैं यहाँ पे जो है इसका ये बाथरूम है, बाथरूम के बाद भी इसका जो ड्राई एरिया है वो काफ़ी बड़े साइज़ का ड्राई एरिया है, हम आपको वो भी दिखा दे रहे हैं। देखिए ये इसका ड्राई एरिया है, कम्प्लीट टाइलिंग की हुई है इसके अंदर में, और यहाँ पर देखिए इसकी वॉशिंग मशीन रखी हुई है, अब देख रहे हैं। इसके बाद एक वार्डरोब यहाँ पे बना के दिया हुआ है, अलमारी। इसके बाद हम चल रहे हैं आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं आगे का एरिया इसका। देखिए अभी जो है हम चल रहे हैं किचन की तरफ, आपको दिखाते हैं सब किचन। इसका किचन भी कंप्लीट जो है, इसमें सेल्फ का काम किया हुआ है जो है। इसके बाद इसमें जो अलमारी बनी हुई है, देखिए ये अलमारी है। इसके बाद यहाँ पर जो है ये विंडो दी है, देखिए ऊपर भी जो है इसमें बना के दिया हुआ है सारी चीज़ें। ये है इसका किचन। अब किचन के बाद आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं इसका टॉयलेट का एरिया, उसके बाद इसका फर्स्ट बेडरूम। इसमें जो है टॉयलेट के लिए जो दिया हुआ है, यहाँ पे आपको इंग्लिश टॉयलेट दी है, डिपेंड करता है आपके ऊपर में, अगर आपको इसको यूज़ करना है, अदरवाइज़ आप जो है इसको चेंज कर सकते हैं। तो चल रहे हैं अभी आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं इसका फर्स्ट बेडरूम। देखिए ये है इसका फर्स्ट बेडरूम, इसमें 6x6 का जो है बेड लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे भी काफ़ी खूबसूरती से बेडरूम का इंटीरियर का वर्क किया हुआ है, अब देख रहे हैं। देखिए इसमें और यहाँ पे 6x6 का इंटीरियर का वर्क करने के बाद इसमें देख रहे हैं आप, 6x6 का बेड रखने के बाद भी काफ़ी जगह है। यहाँ पर देखिए कबर्ड एक अलग से एक्स्ट्रा रखा हुआ है इन्होंने, यहाँ पर देखिए वॉल के अंदर में कबर्ड जो है बनाया हुआ है। इसके बाद इसकी एक विंडो जो है वो भी बाहर का साइड खुल रही है। देखिए इसका ये बेडरूम है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रेंट पे दिया हुआ है, और ये देखिए एक लैपटॉप के लिए बना के रखा हुआ है सेटअप, कि आप लैपटॉप कंप्यूटर अपना यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये है जो इसका पहला बेडरूम, देख रहे हैं इंटीरियर का काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इसके बाद जो है यहाँ इसकी विंडो है, विंडो से देखिए बाहर का नज़ारा भी आपको ऐसे ही साफ दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है इसलिए कम्प्लीट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ से देखिए फिर भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो ये है इसका फर्स्ट बेडरूम, और अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, आपको दिखाते हैं इसका फाइनली मास्टर बेडरूम। तो वीडियो ज़रा भी स्किप नहीं कीजिएगा, आप चलते हैं फाइनली आपको दिखाने इसका मास्टर बेडरूम, जो कि ये देखिए है काफ़ी बड़े साइज का इसका मास्टर बेडरूम है। तो वीडियो ज़रा भी स्किप नहीं कीजिएगा। सो फ्रेंड्स ये है इसका मास्टर बेडरूम, आप देख रहे हैं। देखिए ये मास्टर बेडरूम है, अभी बाथरूम हम लास्ट में दिखा देंगे आपको।
ये कंप्लीट हम आपको इसका पहले बेडरूम दिखा देते हैं। देखिए इसमें 6x6 का बेड लगा हुआ है, इसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा जगह है। ये देखिए वार्डरोब बना के दिया हुआ है ऑनर ने कंप्लीट, पहले इसमें ऑनर रहते थे इसलिए इसका कंप्लीट इंटीरियर का वर्क किया हुआ था और काफ़ी खूबसूरती से इस फ्लैट को बनाया हुआ था। देखिए आप देख रहे हैं, तो ये है इसका मास्टर बेडरूम। और इस फ्लैट का जो साइज़ हमने बताया हुआ है वो है 940 स्क्वायर फीट का। इसमें जो टैक्स आता है ये देखिए, पहले ये इसकी बालकनी देख लीजिए फिर हम आपको बाकी की डिटेल बताते हैं। देखिए काफ़ी बड़े साइज़ की बालकनी है इसकी, और ये सामने देख रहे हैं आप वेंटिलेशन काफ़ी प्यारा है इसका, बहुत अच्छे लोकेशन पे है ये, खड़ी गांव में मेन जो हाईवे है हाईवे से काफ़ी ज़्यादा करीब है। आगे दिखाई दे रहा है आपको ये नादियल फलाह स्कूल है। देखिए ये जो पतरे का शेड लगा हुआ नादियल फलाह स्कूल है, उसके आगे वो रोड जो है एम ए वैली को कनेक्ट हो रहा है, तो जो 90 फीट का रोड है वो भी यहाँ से ही जाने वाला है। नादियल फलाह के जस्ट साइड से होता हुआ एम ए वैली कनेक्ट होता हुआ वो जाएगा मुमरा स्टेशन को। तो ये फ्लैट है फ्रेंड्स, इसमें जो टैक्स आता है वो साल का 11,000 रुपये, मेंटेनेंस जो है वो 1900 रुपये मेंटेनेंस आता है। इसमें 2 टाइम पानी आता है इसके अंदर में। और ये देखिए ये जो है ये इसका अटैच टॉयलेट बाथरूम है, आप देख रहे हैं इसको फुल टाइल वर्क किया हुआ है, कंप्लीट है, इसमें कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं। ये फ्लैट जो है रेडी टू मूव है। इसका जो प्राइस है वो है 62 लाख रुपीज़ विथ स्टिल्ट पार्किंग, और भी नेगोशियबल प्राइस है। अगर आपको इंटरेस्ट है इस फ्लैट के अंदर में तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, आके विजिट कर सकते हैं, स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है वहाँ से हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया या फ्लैट पसंद आया तो हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और ख़ास करके सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली नई वीडियो मिल सके। और देखते रहिए वेट प्लेटफॉर्म, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।